हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू, बीएससी मैथमेटिक्स के ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, जहां पर हमने बहुत सारे टेस्ट देखे किसी सीरीज का कन्वर्जेंट होने के लिए, जैसे कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट, कोसी इंटीग्रल टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रॉबी टेस्ट, है ना। लास्ट जो क्लास था वो रॉबी टेस्ट पर था। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो रॉबी टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रॉबी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इस तरह के तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस पर हमेशा सबसे पहले डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट निकाला जाता है, उसके बाद उस वेरिएबल के लिए क्या देखा जाता है, रॉबी टेस्ट देखा जाता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसका, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको निकालना होता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल्स टू जो भी लिमिट आती है एल। अगर ये लिमिट लेस देन वन हो गया तो आपका सीरीज क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट होता है। अगर ये जो लिमिट एल आया हुआ है वो ग्रेटर देन वन हो गया तो आपका सीरीज क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ओके, और ये इक्वल टू वन हो जाता है तो आपका जो टेस्ट होता है, टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, फेल हो जाता है। ये आपको याद रखना है, हम इसको यूज करेंगे, बहुत ईजी है, इतना आपको इतना बस करना होता है। तो अगर ये स्थिति आता है, ये फेल हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तो रॉबी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में करेंगे तो रॉबी टेस्ट क्या होता है उसको भी बात कर लेते हैं। ओके, ये आपका क्या रॉबी टेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, रॉबी टेस्ट में आपको हमेशा क्या निकालना होता है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, जस्ट इसका उल्टा है ना, ये यू एन प्लस वन अपॉन यू एन है और ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है। देखो थोड़ा माइनस वन, इसका लिमिट निकालना होता है, इसका लिमिट मान लो जो एल आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे लेस देन वन लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे, ग्रेटर देन वन हो गया तो आपका सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और ये जो है क्या, लेस देन वन हो गया तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। और इक्वल टू वन हो जाएगा तो सीरीज आपका टेस्ट फिर से फेल हो जाएगा। समझेगा स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम टेस्ट अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। तो बीच बीच में सारे टेस्ट को आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद करते रहना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कोई रुकावट ना आए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका यू एन वाला टर्म्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, आप ये पहले वाले टर्म्स से ऑब्जर्व करके देखो या फिर यहाँ से ऑब्जर्व करके देखो। तो यहाँ पर क्या लिखा स्टूडेंट्स, टू के पावर टू, फोर के पावर टू, सिक्स के पावर टू, मतलब ये क्या है, सारे इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब क्या, टू एन की पावर टू। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में देखिएगा, अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस प्रकार से बढ़ रहा है, एट, ये कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स देखिए, ये इसको ऑब्जर्व करोगे तो मैं बताया था यहाँ पर पहले वाले टर्म से, है ना। अगर आप वन को एन बोलते हो तो थ्री क्या होगा, थ्री होगा आपका टू एन प्लस वन होगा, और आपका फोर क्या होगा, टू एन प्लस ये आपका टू होगा। इस प्रकार से जो टर्म्स हैं ये बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो, नेचुरल नंबर सबसे पहले यहाँ पर वन पुट करेंगे, मतलब यहाँ पर भी पुट करेंगे ना, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर वन पुट करोगे तो ये वाला टर्म्स मिलेगा, ये हो जाएगा आपका टू एन की पावर टू, है ना, अपॉन में थ्री फोर, और एक से का पावर कैसा स्टूडेंट्स, ये जो नीचे में जितना है उतना एक से का पावर है, ये टू एन प्लस टू होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक से का पावर फोर तो यहाँ पर नीचे में फोर, यहाँ पर एक से का पावर सिक्स तो नीचे में सिक्स, एक से का पावर एट तो यहाँ पर एट, मतलब एक से का पावर कैसा है, ये जो वहाँ यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आपका, तो ये हो जाएगा आपका टू एन प्लस टू, ये पावर होगा स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल था आपका क्या, ये आपका यू एन निकालना। अब यू एन प्लस वन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, यू एन प्लस वन यहीं पर आपका एन के जगह एन प्लस वन रख दीजिए, आपका यू एन प्लस वन मिल जाता है। तो एक चीज़ आपको और अच्छे से याद रखना है, जो यू एन प्लस वन जो टर्म्स है उसके अंदर यू एन भी मौजूद होता है, मतलब यू एन में हम एक ज़्यादा बढ़ा दिए तो यू एन प्लस वन बना, है ना, मतलब ये इसके पास यू एन है, समझिएगा इस बात को, एक टर्म्स बस ज़्यादा है इसके पास। तो इसको मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट, टू एन फोर एन सिक्स एन सबके पावर टू ना, फिर ये हो जाएगा आपका कैसा बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, ये टू एन प्लस इसका पावर टू रहेगा, साथ में ये क्या है, हम एक ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एक ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, जब एन के जगह एन प्लस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एन के जगह एन प्लस वन रखोगे तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू,
टू एन प्लस टू, यहाँ पर n की जगह n प्लस वन रखोगे तो क्या बनेगा, टू एन प्लस टू बनेगा, सॉल्व कीजिए, सबके पावर टू बनेगा स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर ये आपका यू एन प्लस वन है तो ये वाला टर्म्स बॉक्स होना चाहिए, इसको क्यों लिखे करके, क्योंकि ये वाला टर्म्स यू एन प्लस वन वाला टर्म है तो उसके इधर तो यू एन भी मिलेगा, इधर कम हो जाएगा टर्म्स तो क्या होगा, ये यू एन प्लस वन था, ये हो जाएगा यू एन, ये हो जाएगा यू एन माइनस वन, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा घटते हुए आएगा, मतलब ये आपका सबसे बड़ा टर्म्स है, इसके पास ये यू एन भी मौजूद होगा, इसलिए हम इसको लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखते, ज़रूरत के हिसाब से उसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसा लिख देना, ये पूरे टर्म्स को लिख सकते हो आप, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब अपॉन में क्या करेंगे आप, देखिए अपॉन में फिर इसको लिख दीजिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस प्रकार से है। ये कैसा बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए टू एन प्लस वन के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो आपको एक टर्म ज़्यादा रखना है, मतलब क्या जहाँ पर n है n प्लस वन रखना है, तो n प्लस वन यहाँ पर रखोगे तो सॉल्व करके देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, टू एन प्लस वन प्लस वन, मतलब क्या आ जाएगा टू एन प्लस थ्री आएगा, चेक करके देख लीजिए, है ना, ये टू एन और ये टू प्लस वन, मतलब टू एन प्लस थ्री, तो हो जाएगा ये टू एन प्लस थ्री, और ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एन प्लस फोर होगा। अब पूछेंगे सर यहाँ पर आपने टू एन स्क्वायर लिखा है, उसके बाद टू एन प्लस टू स्क्वायर लिखा है ना, होल स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको क्यों नहीं लिखे, लिख भी सकते हो आप, आपके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आप सेट कर सकते हो, है भाई ये यहाँ पर लिखे नहीं इसका मतलब नहीं है, वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपका टू एन प्लस वन टू एन प्लस टू भी इधर मौजूद है, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक से के पावर को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक से पावर को लिखेंगे, यहाँ पर n की जगह n प्लस वन रखोगे तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो होता है x का पावर उतना ही होता है, तो 2n प्लस फोर लिख दीजिए, है ना, ये क्या था n वाला टर्म्स था, ये यू एन प्लस वन वाला टर्म्स था, ओके स्टूडेंट्स। आपको हमेशा इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर वेरिएबल मौजूद हो उस पर आपको हमेशा डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पहले लगाकर देखना ही देखना है, उसके बाद बाद में सोचा जाएगा क्या लगाना है करके, है ना। तो यहाँ पर हम डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, तो डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, लिमिट, लिमिट अप्लाई कीजिए किस में, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन में, और उसके बाद चेक कीजिए क्या आता है करके, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकाल लेता हूँ, बाद में लिमिट अप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स, ओके। तो मैं लिख दिया क्या, ये हो जाएगा आपका यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, मतलब अब देखिए इसमें इसको डिवाइड करना है, तो देखिए स्टूडेंट ये आपका इतना इतना बड़ा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये आप कॉपी में लिखोगे एग्जाम में लिखोगे तो बहुत बड़ा बनेगा और बेकार सा दिखेगा, भद्दा सा दिखेगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करके देखिए, ये आपका यू एन प्लस वन है, उसमें डिवाइड करना है यू एन को, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या बचेगा, तो सबसे पहले ये तो ऊपर में रहेगा, है ना, तो इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ, क्या रहेगा ऊपर में आपका 2n प्लस टू रहेगा, ये वाला टर्म्स इसके साथ कटेगा क्योंकि हम इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ, और ये वाला टर्म्स भी कटेगा, क्या कटेगा, क्योंकि इसके पास भी तो कुछ ना कुछ है, मैं पहले बता के रखा था, क्या 2n प्लस वन 2n प्लस टू दोनों मौजूद है यहाँ पर, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ बस, है ना, ये क्या बचेगा आपका, ये 2n प्लस थ्री और ये 2n प्लस फोर ये बचेगा, ओके, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये इतना बचा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें इसको डिवाइड करना है ना, ये ऊपर में है, इसके नीचे पूरा इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, देखिए x से पावर 2n प्लस फोर है, डिवाइड कर रहे हैं किससे, x से पावर 2n प्लस टू से, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर बचेगा, राइट, ये तो करना आता होगा ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू x की पावर 2n प्लस 2 लिख सकते थे, किसको, इस पूरे को, और अपॉन में क्या है x की पावर 2n प्लस 2, तो ये आपस में कट जाएंगे, x स्क्वायर बचेगा, है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें क्या, यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर आपका बचने वाला है x स्क्वायर बचने वाला है स्टूडेंट। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन, चेक कीजिए यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करना है, राइट, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टू एन प्लस टू सबकी पावर टू अपॉन में टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस थ्री इंटू टू एन प्लस फोर, और ये एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिएगा स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन इसका, लिमिट को जैसा कि तैसा छोड़ दूंगा मैं, लिमिट ये हो जाएगा एन टेंस टू इनफाइनाइट,
इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हो आप 2n, तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको तोड़िए है ना, तो इसको अब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ए स्क्वायर मतलब क्या 4n स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब क्या 4 हो जाएगा, और इंटू ए बी 2ab इंटू 2ab क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 8n अपॉन में क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखिए, इसका 2n इंटू 2n मतलब क्या 4n स्क्वायर, ओके 2n और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8n, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6n क्या हो जाएगा आपका 14n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 12, इस प्रकार से आपको मिल गया ये होगा एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन लेना है, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लेना है और आपस में उसको कैंसिल कर देना है। तो एन स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया ऊपर से तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा प्लस 1 अपॉन क्या बचे सॉरी प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके पास एन स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 अपॉन एन हो जाएगा, एक एन की कमी है, जितना कमी होता है उतना डिवाइड करते हैं। नीचे से भी हम क्या करते हैं एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया क्या बचेगा 4 प्लस 14 अपॉन एन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब क्या कीजिएगा, अब इनको काट देंगे आपस में, इसको काट दोगे उसके बाद आपको क्या करना है लिमिट अप्लाई करना है। जब भी आप लिमिट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, इसके साथ एक्स स्क्वायर चला आ रहा है ना, साथ में आपको एक्स स्क्वायर को लिखना है, तो देखिए लिमिट अप्लाई करोगे ये तो कट गया है, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, क्यों 4 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, 8 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, 14 अपॉन इनफाइनाइट 0, 12 अपॉन इनफाइनाइट 0, क्या बचेगा 4 अपॉन 4 मतलब 1, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, ऐसा रहता 4/4 रहता, ये क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर बचा स्टूडेंट्स। ये क्या मिला आपको लिमिट मिल गया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन मिल गया स्टूडेंट्स। ये आपका कहाँ से मिला, ये आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से मिल गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप तीन कंडीशन लिख दीजिएगा, क्या इफ एक्स इज लेस देन 1 देन क्या हो जाएगा आपका सीरीज क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ओके इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, ओके इफ एक्स इज इक्व टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका जो टेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा स्टूडेंट, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बता दीजिए क्या एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स लिखो, एक्स इज लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, एक्स इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, एक्स इज इक्व टू 1 हुआ तो टेस्ट फेल। तो हमको तो नहीं पता एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा हमको नहीं पता, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ है। तो चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे हम टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे, क्या रॉबी टेस्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स हैं, ओके रॉबी टेस्ट अप्लाई कीजिएगा। रॉबी टेस्ट में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, ये इसका लिमिट निकालना होता है ना, तो जो भी लिमिट आएगा उसको हम चेक करेंगे। तो ये यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है उसको पलटी मार दो, पलटी मारोगे तो मिलेगा वही आपका क्या है यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 होगा है ना, जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिमिट नहीं लगाता हूँ, लिमिट बाद में लगाऊंगा ताकि चीज़ें अच्छे से आपको दिख पाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इंटू एन, ये हो जाएगा मैं एन इंटू करूँगा, यहाँ पर ये क्या वैल्यू होगा इसको मैं पलट के लिखूँगा, ये वाला वैल्यू को मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ है ना, तो पलट के लिखूँगा तो क्या हो जाएगा ऊपर आएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 14n है ना, और ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में क्या होगा ये होगा 4n स्क्वायर, ठीक है 4n स्क्वायर और ये 4 प्लस 8n, ओके तो हमने यहाँ पर जो था उसी को यहाँ पर लिखा है लेकिन उसको पलट दिए, माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व कीजिएगा, ये बाहर में n जैसा का तैसा रहेगा स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को तो क्या हो जाएगा ये आपका 4n स्क्वायर प्लस आपका 14n प्लस 12 होगा, ये इसके साथ
मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस फोर एन स्क्वायर, निगेटिव के कारण निगेटिव निगेटिव लगाते चले जाएंगे, माइनस फोर माइनस एट एन, इस प्रकार से पूरे के अपॉन में क्या होगा, ये आपका फोर एन स्क्वायर प्लस फोर प्लस एट एन होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या क्या कटा सकते हो, क्या क्या कटेगा, ये फोर एन स्क्वायर कट जाएगा, फोर एन स्क्वायर कट जाएगा, और इनमें क्या क्या बचेगा चेक कीजिएगा, यहाँ पर क्या बचने वाला है, 14n से आपका 8n चला जाएगा तो क्या बचेगा 6n बचेगा, और 12 से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स आपका 8 बचेगा, है ना, इस प्रकार से 8 बचेगा। नीचे में क्या बचेगा देखिए, आपका यहाँ पर n मल्टीप्लाई है, ओके यहाँ पर n पहले से मौजूद है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस आएगा। तो थोड़ा सा इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ इसको आगे। देखिएगा आपका n पहले से बाहर मौजूद है, यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा, है ना, आपका n पहले से मौजूद था, मैं यहाँ से n कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 8 अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि 8 के पास n नहीं था इसलिए अपॉन में रख दिया। ओके अब यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, मैक्सिमम पावर क्या है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर अंदर 4 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है 8 अपॉन n बचेगा स्टूडेंट्स। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना, हमने क्या क्या निकाल दिया, यहाँ से ऊपर से n निकाल दिया तो n स्क्वायर बन गया, नीचे से हमने n स्क्वायर निकाल दिया तो ये वाला पूरा बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं पूरे पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका n और ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, मतलब इस पर हम क्या कर रहे हैं लिमिट लगा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या है, ये आया है, मतलब यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाओगे तो क्या है स्टूडेंट्स, ये एन स्क्वायर हम पहले से काट चुके हैं, मान के चलिए जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो एक बार मैं दोबारा लिख ही देता हूँ इसको, है ना, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे कहाँ पर, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट क्या आया है स्टूडेंट्स, ये है आपका 6 प्लस 8 अपॉन एन, नीचे में क्या 4 प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एन, ये तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या आएगा, आएगा आपका 0, ठीक है ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, क्या बचेगा 6 अपॉन 4, क्या बच रहा है आपका 6 अपॉन 4 बच रहा है स्टूडेंट्स, मतलब क्या वैल्यू आ रहा है आपका, जो लिमिट आया वो आया है 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, इसलिए आपका जो सीरीज है वो क्या होगा कन्वर्जेंट सीरीज स्टूडेंट्स। ओके जो भी सीरीज दिया गया था वो सीरीज क्या है स्टूडेंट कन्वर्जेंट सीरीज है। फिर से एक बार देखिए हमने क्या क्या किया, देखो हमने पहले यू एन निकाला, यू एन प्लस वन निकाला, तो बाय डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमने यू एन प्लस वन से यू एन को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने बाद सारे चीज कट गए थे, है ना, क्या क्या बचा था आपका, ये वाला टर्म्स बचा था, ये पूरा टर्म्स बचा था, है ना, अब ये एक्स वाला टर्म्स बचा था, तो हमने इसको सॉल्व करके ये लाया, बहुत ईजी था। ओके जो बच रहा था उसी को हमने लिखा है काटने के बाद। अब इसके पर लिमिट अप्लाई, अब इस पर लिमिट अप्लाई किए, लिमिट अप्लाई करने के बाद देखे क्या क्या आएगा करके, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाले, ये आपका एक्स स्क्वायर साथ में चल ही रहा था, है ना, तो आपका जो भी यहाँ पर आया था स्टूडेंट्स इस पर पूरा एन स्क्वायर जो भी थे ये सारे जीरो हो गए थे, 4 अपॉन 4 बचा, मतलब क्या ये 1, ये तो कट गए थे, तो x स्क्वायर इंटू 1 आया था, ये आपका कहाँ से आ गया, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। तो डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में फिर हमने बताया कि जो x आया है, x स्क्वायर आया है वो लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन होगा तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 होगा तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, ये हमने मान के चला था। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक केस ले लिया कि x का जो भी वैल्यू होगा वो 1 होगा, हमने मान कर चल लिया यहाँ पर, है ना, मान लिया था पहले से ही कि आपका टेस्ट फेल है करके, ऐसा है तो मान लिया कि कन्वर्जेंट, ऐसा हुआ तो डाइवर्जेंट, तो हमने माना कि अब क्या है टेस्ट फेल है, तब हम रॉबिट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ये मान के चलते हैं, क्योंकि एक से कोई यहाँ पर कोई माई बाप नहीं था ना, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया रॉबिट टेस्ट। रॉबिट टेस्ट में क्या चाहिए होता था, मैं बताया था रॉबिट टेस्ट में हमेशा आपको क्या चाहिए होता है, ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू एन एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन
माइनस वन, ये इसका लिमिट चाहिए होता है, ये मैं बताया था ना, तो वही करने के लिए हमने क्या किया, ये निकाला, उसके बाद माइनस वन किया, फिर n से मल्टीप्लाई किए, फिर लिमिट निकाले, इस प्रकार से हमने यहाँ पर बता दिया। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमको क्या पता चला स्टूडेंट्स, पूरा सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चल गया कि आपका जो सीरीज़ था वो सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि आपका रॉबी टेस्ट से एक वैल्यू आया, एक लिमिट पॉइंट आया, और लिमिट पॉइंट क्या था, ग्रेटर देन वन था, इसलिए आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो हर एक क्वेश्चन बना सकते हो, एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा दिमाग लगाया नहीं है ना, बहुत पेचीदा सा दिख रहा था, लेकिन सॉल्व कितना आसान था उसका। ओके, हर एक क्वेश्चन इतना ही आसान होगा, एग्जाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन देते, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप बता सकते हो कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इस प्रकार से। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी हम पहले जैसे सॉल्व किए हैं, पहले क्या डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, फिर रॉबी टेस्ट लगाए, उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो टर्म्स थोड़ा सा बस उससे अलग है, लेकिन सॉल्यूशन सेम टू सेम वैसे ही आएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या निकालना होता है, सबसे पहले चेक करो आप, सबसे पहले आपको निकालना होता है यूएन। तो यूएन क्या होगा, चेक करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो टर्म्स है वो कैसे बढ़ रहा है, ये आपका क्या है 1, 3, 5, मतलब ये इसका जो बढ़ने का तरीका है वो कैसा है स्टूडेंट्स, 1 है 3 है 5 है, तो ये जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 2n-1 के फॉर्म में। चेक करके देख लो, आप यहाँ पर n के जगह 1 पुट करो, क्या मिलेगा, 3, 1 मिलेगा। n के जगह 2 पुट करो तो 4-1 मतलब 3 मिलेगा। n के जगह 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 6-1 मतलब 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, तो ये आपका un का ये वाला टर्म्स हो गया ऊपर वाला। अपॉन में मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या देखिए है ना, ये यहाँ पर डॉट है, इसको अलग सेपरेट लिखेंगे। यहाँ पर आपका देखिए क्या हो रहा है, 2n, मतलब 2n के फॉर्म में बढ़ रहा है ना, 2n के फॉर्म में बढ़ रहा है। देखिए ये क्या है आपका, 2n के फॉर्म में बढ़ रहा है, 2, 4, 6 मतलब ये क्या बढ़ रहा है, 2n की तरह ये बढ़ रहा है आगे। यहाँ पर देखिए एक तक पावर किस प्रकार से बढ़ रहा है, आपको चेक करना है। जैसे कि ये आपका बढ़ रहा था तो कहाँ तक जा रहा था, ये 2n-1 तक जा रहा था। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 7 है, मतलब 2n-1 है, इसमें आप क्या ऐड करोगे, 2n-1 में आप क्या ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि पहले आपका 5 था, 5 से यहाँ पर क्या आ रहा है, x की पावर 7, मतलब 5 में आपने 2 ऐड किया, तो ये आपका क्या था, मान के चलो 5 था, तो आपने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड किया, तो क्या मिलेगा, चेक करो, 2n+1 मिलेगा। मतलब x की पावर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर x की पावर 2n+1 लिखूंगा, नीचे में क्या है 7, मतलब ये क्या आपका 2n+1 ही होगा। अब सर ऐसे कैसे लिख दिए, इसका nth टर्म है ना जी, ये आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, आप 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा, 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा, 3 पुट करोगे तो ये मिलेगा। चेक करके देख सकते हो, जैसे कि 3 पुट करूंगा यहाँ पे 2n हो जाएगा, 3 × 2 मतलब 6, 7, x की पावर 7, ये हो जाएगा 7 है ना। यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 मतलब 6-1 मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 5 वाला ये टर्म पूरा। तो 3 पुट करने पर ये मिल रहा है, 2 पुट करने पर ये मिलेगा, तो n पुट करने पर क्या मिलेगा, ये n वाला टर्म्स मिलेगा। समझ आया होगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से un+1 लिखना है आपको, un+1 क्या आएगा, चेक कीजिए, un+1 इसी में n के जगह n+1 को पुट करना है, ये हो जाएगा 1, 3, 5, ये क्या हो जाएगा 2n-1 जा रहा है। आपको एक टर्म बढ़ाना है, n+1 का मतलब क्या, एक टर्म बढ़ाना है, मतलब n के जगह n+1 रखोगे, 2n-1 था, n+1 रखोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 × n+1-1, तो ये हो जाएगा आपका 2n+1 होगा। वो यहाँ पर n के जगह n+1 रखने पर क्या आएगा, 2n+1 आएगा, ठीक है। आप हमेशा रफ में अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा स्टूडेंट्स इस बात को। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, जब यहाँ n के जगह n+1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 2n+1 आएगा। ओके, अपॉन में क्या आएगा, चेक कीजिएगा, अपॉन में फिर से लिख दो, 2, 4, 6 कहाँ तक जा रहा है, 2n, और आपका एक टर्म्स और बढ़ा के लिखना है, तो एक टर्म और बढ़ा के लिखना है, मतलब क्या, जहाँ पर n होगा वहाँ पर n+1 रखना है, हमने ये सीखा। तो 2n+1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2n+2 होगा। ओके, 2n+2, तो यहाँ पर लिख दीजिए (2n+2)। अब हम इसको भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होगा आपका, x की पावर यहाँ पर n के जगह n+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2n+3 हो जाएगा, नीचे में ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 2n+3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस होंगी उस पर डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है।
तो डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहते हैं, यूएन प्लस वन अपॉन यूएन, इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है, मतलब इस पूरे में इसको डिवाइड करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स जो यहाँ पर मौजूद होगा वो सारे चीज़ कट जाएंगे। तो इसके पास भी 2n माइनस वन अपॉन 2n है, इसके पास भी 2n माइनस वन अपॉन 2n है, मतलब ये सारे कट जाएंगे आपस में। क्या बचेगा, जो un प्लस वन है उसमें पहले लिख देता हूँ, un प्लस वन के जब क्या क्या बचने वाले हैं, 2n प्लस वन बचेगा यहाँ, ये पूरा सब चीज़ बचेगा है ना, अपॉन में 2n प्लस टू बचेगा स्टूडेंट्स। ओके, और क्या बचा है आपका, ये पूरा बचा हुआ है क्योंकि इसके साथ हम इसको डिवाइड नहीं किए हैं, डिवाइड बाद में करूँगा, थोड़ा सा समझाऊंगा इसको डिवाइड करने का तरीका है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x की पावर 2n प्लस थ्री अपॉन में क्या बचा है स्टूडेंट्स, ये आपका बच गया है 2n प्लस थ्री बचा हुआ है। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो कटा नहीं है ना इसके साथ, मैंने इसको साथ काटा नहीं है, तो ये क्या है उल्टा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पलटी मार के आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा आपका x के पावर 2n प्लस वन। तो देखिए स्टूडेंट्स जो भी कटने वाला है इनके बीच में कटेगा, ये x वाला और x वाले के बीच में कटेगा। तो देखो स्टूडेंट्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर 3 था उसको मैं x स्क्वायर के फॉर्म में अलग लिख दिया हूँ, अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा x की पावर 2n प्लस वन, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा। तो वहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ओनली x स्क्वायर बचा। तो मैं थोड़ा सुधार के लिख दूँ क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं सुधार के लिख देता हूँ, इस 2n प्लस वन को यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 2n प्लस वन, और क्या बचा है आपका ओनली x स्क्वायर बचा हुआ है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका x स्क्वायर। समझ में आया है, तो वीडियो फिर से रिपीट करके देखना और वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें क्या लिखे थे हम। तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 4n प्लस हो जाएगा आपका 1, इस प्रकार से इन दोनों को सॉल्व करने पर ये मिलेगा। समझ आ रहा है बात, ठीक। नीचे में फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6n और ये हो जाएगा 4n, मतलब 10n हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लूँगा, n स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पर, n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपका बचेगा 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये बचेगा। ओके, नीचे में क्या बचेगा, नीचे में भी हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे n स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 4 बचेगा, 10 अपॉन n बचेगा और यहाँ पे 6 अपॉन n स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपका आया है यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आपका n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चेक करके देखिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, क्या बचेगा 4 अपॉन 4, और यहाँ पर आपका x स्क्वायर चल रहा है ना, तो 4 अपॉन 4 मतलब 1 और 1 इंटू x स्क्वायर मतलब क्या बचेगा, x स्क्वायर ही बचेगा स्टूडेंट्स। ओके, ये आपका क्या बचा, ओनली x स्क्वायर ही बचा हुआ है। आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट को स्टेप नंबर फर्स्ट और रॉबर्ट टेस्ट को स्टेप नंबर सेकंड मान के चलिए। तो रॉबर्ट टेस्ट में करते क्या है स्टूडेंट्स, फॉर x = 1 के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, लिमिट निकालना पड़ता है। कैसा लिमिट होता है वो लिमिट होता है स्टूडेंट्स n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, इसका लिमिट निकालना होता है स्टूडेंट्स। तो इसका लिमिट हमको चेक करना है, तो चलिए इसी को हम निकालते हैं। क्या होगा, ये n मैंने लिख दिया, अब ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, इसको हम पलटी मार देंगे। ये क्या था, यहाँ पर डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में यू एन प्लस वन अपॉन यू एन था, हम उसको पलटी मार के लिखेंगे, मतलब इस वाले वैल्यू को है ना, और x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आपका 1 हो गया है मान के चलिए। तो मैं इसी वैल्यू को पलट के लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4n, नीचे वाला जो है उसको ऊपर लिखूंगा, 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स। इसको और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो चेक कीजिए क्या लिखेंगे हम इसको। ओके, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6, ये रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस सॉरी माइनस 4n माइनस 1 ये होगा, अपॉन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपॉन में पूरा बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1,
ये बचेगा। तो देखिए क्या क्या कट रही है, 4n कट जाएगा, 4n कट जाएगा, 10n से 4n माइनस हो जाएगा, 6 से 1 माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या स्टूडेंट्स, ये आपका n पहले से मौजूद है, यहाँ पर आपका जो बचने वाला है वो है आपका 6n प्लस 5 बचेगा स्टूडेंट्स। ऊपर में यहाँ से 6 से 1 चला जाएगा 5, 10 से 4n चला जाएगा 6n अपॉन क्या हो जाएगा ये पूरा स्टूडेंट्स 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ये है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालिए, यहाँ से n कॉमन निकालिए, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा n पहले से मौजूद था तो n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस 5 अपॉन n बचेगा, ओके। नीचे में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, n स्क्वायर कॉमन निकाल दिए तो आपका क्या बचने वाला है 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर बचेगा। तो देखिएगा अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू आपका ये है ना पूरा n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट अप्लाई यहाँ पर करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका 0 हो जाएगा, n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, तो आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा आप लिखते आते हो तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट करना है। ये तो एन स्क्वायर कैंसिल था है ना, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 6 अपॉन 4 बचेगा, बाकी तो 0 होगा, ये 0 ये 0 ये 0, मतलब आपका जो वैल्यू मिला वो क्या मिला है 3 अपॉन 2 मिला, वो ग्रेटर देन क्या है 1 है, मतलब आपका जो सीरीज मिला वो सीरीज क्या है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ओके। तो इसी प्रकार के तमाम जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, आईएमपी क्वेश्चन के बारे में कभी सोचना नहीं है स्टूडेंट, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैथमेटिक्स में खास करके आईएमपी मतलब मूर्खता वाला एक पहचान बन जाता है ना, तो आईएमपी जैसा कोई चीज नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, आपके पास अगर मेथड्स हैं तो दिमाग तो जरा सा लगाना होता है, मेथड तो पूरा वही चलता रहता है आपका है ना। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये आपका जो क्लास है आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन पर हम फिर से इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, और जो कि हमारा सीरीज़ के लिए लास्ट क्लास होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम अल्टरनेटिव सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।